हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ हैदराबादी पनीर की रेसिपी। इसे आप हरियाली पनीर भी कह सकते हैं। तो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यम सा बनता है ये पनीर। अगर आप पालक पनीर से हो चुके हैं बोर तो बनाएं कुछ इस स्टाइल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें लेनी है हरी हरी पालक। तो अभी हमें पालक को क्या करना है, इसके डंठल को अलग करना है और सॉफ्ट वाले पत्तियों को अलग करना है। तो इसी तरीके से मैंने सारे पालक को साफ़ कर लिया है। अभी मैंने इसमें लिया है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची और धनिया के डंठल्स लिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने रफली चॉप किया है। अभी हम इसे चढ़ा देते हैं गैस पर कढ़ाई और अब बनाएंगे हम हरियाली पनीर के लिए ग्रेवी। तो इसमें हमें डालना है सरसों का तेल और आप घी, रिफाइंड बटर कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अभी इसमें डाल दूँगी लहसुन। लहसुन को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। किसी भी चीज़ को आपको ज़्यादा नहीं पकाना है और बस आपको यह है कि सॉफ्ट तक पकाना है। जैसे आप शाही पनीर या फिर किसी भी चीज़ के मतलब ग्रेवी को बनाते हैं उसी टाइप से बनाना है। और अभी मैंने इसमें लहसुन के बाद अदरक भी डाल दिया है और इसे भी जलाना नहीं है आपको, सिर्फ थोड़ा सा सुनहरा करना है। क्योंकि जला दोगे तो वो टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा और मीडियम फ्लेम पर ही करना है ये सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज को और प्याज को भी जलाएंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा, कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर को। ये पालक पनीर बहुत ही यम बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी भी बनता है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमें पालक को उबालना नहीं है, कुछ करना नहीं है, हमें सारी चीज़ों को काट पीट करके इसमें छौंक देना है और बस फटाक से बन जाता है हमारा ये हरियाली हैदराबादी पनीर। तो अभी देखो मैंने टमाटर को भी डाल दिया है। और जब आप इस रेसिपी को देखोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि ये कितना ईजी रेसिपी है और आपके ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमें दूसरा पालक पनीर बनाना होता है तो हमें पहले पालक को बॉयल करना होता है, फिर उसको ठंडा करना होता है, फिर उसको पीसना होता है, फिर मतलब बहुत ग्रेवी के लिए अलग बर्तन होते हैं, तो बहुत सारा तीम झाम हो जाता है। तो ये वाला पालक पनीर रेसिपी बहुत इजी सी है, बहुत अच्छी है। तो अभी देखिए मैंने इसमें डंठल भी डाल दिए हैं धनिए के और मिर्ची भी, और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके इसे थोड़ा सा पकाऊँगी जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए बढ़िया से इसी तरीके से आपको भी बनाना है और बहुत ही सही पक जाएगा ये। अभी देखना, जैसे ये छोटा सा छिलका जो है ना वो अलग होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये अच्छे से पक चुका है। तो अभी मैंने इसको चला कर चेक कर रही थी कि जो टमाटर है, जब तक टमाटर क्योंकि सॉफ्ट नहीं होगा, छिलका अलग नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। तो अभी टमाटर भी थोड़ा पक चुका है। अभी हमें क्या करना है कि पालक को मैंने रफली चॉप कर लिया था। तो देखिए ना कि ये रेसिपी इतना ईजी कि आपको काटने पीटने का झंझट भी नहीं करना है। आपको सभी चीज़ों को बस छिलका थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके और बस आपको क्या करना है कि इसमें मतलब थोड़ा सा रफली चॉप करना है बस, और सब चीज़ों को एक ही बार में मिक्स करना है और बढ़िया से स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे इसका। तो अभी पालक को भी थोड़ा सा हम पका लिया, 2 मिनट के लिए पक गई है पालक। अभी हमें क्या करना है, जैसे ही थोड़ी सी और पक जाएगी तो हम इसको पीसेंगे ठंडा करने के बाद। तो अभी ये देखो पालक तो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो ही चुकी है। मैं फिर भी इसको थोड़ा सा कर लूँ अच्छे से सॉफ्ट। जैसे मैं इसमें देखो पालक और मैंने कितना सारा डाला था कढ़ाई भर के, और अभी ये कितना थोड़ा सा बचा है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा चलाएँगे। चलाने के बाद देखो ये थोड़ा सा और सॉफ्ट होगी और पानी छोड़ेगी पालक जो है, पालक पानी छोड़ती है। और फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसे पीस लेंगे मिक्सी के जार में डालकर। और अभी हमें क्या करना है, जब तक वो थोड़ा ठंडा हो रहा है तब तक हम पनीर कट कर लेते हैं। तो मैंने पनीर को कट कर लिया है और कट करने के बाद इसे हमें शैलो फ्राई करना है। चाहे तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या तो फिर आप शैलो फ्राई कर सकते हैं मेरी तरह। तो अभी पहले हम पीसीस को कट कर लेंगे सारे ही इक्वल साइज़ में और फिर मैं इसे तवे पर शैलो फ्राई करूँगी। तो देखो अभी मैंने गैस को ऑन कर तवा चढ़ाया है, तवे पर रख मैंने थोड़ा सा घी लगाया, सॉरी मक्खन लगाया है। और बटर लगाने के बाद मैं इस पर एक एक करके सारे ही पनीर के पीसीस को रख दूंगी। और जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर रख देना है सारे पनीर के पीसीस और इन्हें हमें शैलो फ्राई करना है। ये हल्के से सुनहरे हो जाए, कलर चेंज हो जाए, बस उतना ही पकाना है। क्योंकि पनीर को कुछ पकाने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे ही एक साइड से शैलो फ्राई होगा तो आपको दूसरी साइड से इसे पलट देना है ताकि ये जले नहीं। तो अभी देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा इसे पलट रही हूँ जो जो मुझे लग रहे हैं कि हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं कर लें
लेंगे शायद। अभी फिर से वही सेम कढ़ाई ली है मैंने और इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी मैं सरसों का तेल और साथ में डालूंगी बटर। और बटर डालने के बाद इसे जब तक बटर मेल्ट हो रहा है तब तक हमें इसे गर्म करना है। उसके बाद हमें डालने हैं इसमें खड़े मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी और मैंने डाला है इसमें तेजपत्ता। इन सभी चीज़ों सारे मसालों को थोड़ा सा सुनहरा करेंगे, ये जैसी खुशबू आने लगेगी फिर हम जो पेस्ट बनाया था, जो हमने सारी चीज़ें पका के पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट को हमें इसमें डाल देना है बढ़िया से और इसे बड़े अच्छे से चलाना है। तो अभी देखिए मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ, गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, आई नहीं वरना ये बहुत तेज से छींटे आने लगती है और हाथ जलने का डर रहता है। ये सारे एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर्स भी होते हैं जो एकदम से ऐसे डाल देते हैं और फिर जलने वलने का डर रहता है, इसलिए क्योंकि पहले मैं भी ये चीज़ें फेस कर चुकी हूँ। और देखिए मैंने सेम ही जार में पानी लिया था और पानी इसमें डालने के बाद अभी इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि पानी और ग्रेवी दोनों ही आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और बढ़िया सा बन जाए ग्रेवी। और अभी इसमें हमें डालने हैं थोड़े से मसाले, जो बेसिक मसाले आप घर में यूज़ करते हो मैं वही डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी, गरम मसाला और सब्जी मसाला, और साथ में डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक। और फिर इन सभी मसालों को मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद ये अच्छे से पकाएंगे, इसी में थोड़ा सा ये जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी बस इतना, क्योंकि पका हुआ है सब कुछ, ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़ा सा बॉईल होने तक पकाएंगे फिर हम इस पर डाल देंगे फ्रेश मलाई। तो मैंने घर की फ्रेश मलाई डाली है, आप चाहें तो इसमें अमूल की या किसी भी ब्रांड की डाल सकते हैं। और फिर इससे देखना इसका कलर एकदम से चेंज होएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा एकदम देखना, और बहुत क्रीमी भी बनती है उससे। अभी हमें शैलो फ्राई करे हुए इसमें डाल देने अपने पनीर के पीसेस और फिर इसके बाद हमें 2 से 3 मिनट तक पनीर के पीसेस को इसी में डाल करके पकाना है 2 से 3 मिनट तक। फिर इसके बाद हमारी जो है बढ़िया सी हरियाली पनीर की रेसिपी तैयार हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सी सब्जी है। ऊपर से थोड़ा सा इसमें डालेंगे मलाई और बढ़िया सी मलाई डालने के बाद देखिए ये सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है और सारा जो ग्रेवी है वो कितना अच्छा बना है। तो अभी हम इसे सर्व करते हैं। और हाँ, इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर से बटर वगैरह डाल देना है या फिर आप गार्निश करते वक्त इसमें ऊपर से पनीर डाल सकते हैं, जैसे आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी किस किस के घर पर बनती है और किस किस को ये पसंद है और आपको मेरी वाली रेसिपी कैसी लगी। और ये है ना एकदम बढ़िया यम्मी सी रेसिपी और एकदम ईजी पालक पनीर रेसिपी। बाय बाय फ्रेंड्स। तो ये देखिए आप सबके लिए टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है।